इस वक्त पहुंच चुके हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान का दौरा, जेपी नड्डा का, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन किया जाएगा। कोटा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए। और जैसा कि पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि भव्य स्वागत को लेकर वहां पर तैयारियां की गई थी। महिला शक्ति वहां पर जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए खड़ी नजर आई और फूलों की बारिश इस वक्त जेपी नड्डा पर की जा रही है। खास तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। एक और बड़ी बैठक होने वाली है कोटा में, जहां पर जेपी नड्डा पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए इसे लेकर खास चर्चा होगी। साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं वहां पर उन्हें लेकर भी बातचीत की जाएगी। जो वहां पर पदाधिकारी हैं उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि अभी ग्राउंड पर पार्टी की स्थिति क्या है। तो कार्यकर्ताओं में आप उत्साह देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर महिला कार्यकर्ता भी पहुंची हुई हैं जो जेपी नड्डा पर फूलों की बारिश कर रही हैं। जैसा कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाकर बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने बेहतर काम किया है, ऐसे में महिलाओं में भी इसके बाद से ही जबरदस्त वहां पर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब जब कभी भी केंद्रीय नेताओं का दौरा होता है, खुद प्रधानमंत्री पहुंचे, चाहे कोई भी केंद्रीय मंत्री पहुंचे, वहां पर स्वागत के लिए महिला कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आती हैं। आज भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं तो कुछ ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है, जब महिला कार्यकर्ता काफी ज्यादा संख्या में नजर आ रही है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ महिला चेहरों पर भी बीजेपी दाव खेल सकती है, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने हमेशा काम किया, सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में कई महिला दावेदारों पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। अब खैर वो तो देखना ही होगा कि दूसरी लिस्ट में किन उम्मीदवारों पर बीजेपी दाव लगाती है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। कल सीईसी की बैठक है और इसके बाद माना जा रहा है कि फाइनल लिस्ट पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट कभी भी जारी की जा सकती है। और उससे ठीक पहले जेपी नड्डा का ये राजस्थान दौरा भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कोटा में कौन कौन से समीकरण है इन्हें समझने की कोशिश करेंगे जेपी नड्डा, क्योंकि पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, यहाँ कौन सा दावेदार सबसे ज्यादा मजबूत है इसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी लगातार जेपी नड्डा के साथ मौजूद है। इससे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचकर सीपी जोशी ने उनका स्वागत किया और अब बैठक की शुरुआत कुछ ही समय में होने वाली है, जहां पर कई खास मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 25 नवंबर को वोटिंग है, 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में अब लगातार मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी जेपी नड्डा ने एक खास बैठक की थी और अब आज भी दो बड़ी बैठकें लेने वाले हैं। सबसे पहले कोटा में वो जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कोटा से, जहां पर इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। यहां के समीकरण को समझने की वो कोशिश करेंगे कि यहां कौन कौन से समीकरण हैं, जाति को लेकर जो फैक्टर्स हैं और उसके अदर देन जो अन्य फैक्टर्स हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे जेपी नड्डा। और यही वजह है कि उनकी आज की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यकर्ताओं को आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पहुंचे। जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे तो फूलों के साथ भव्य स्वागत जेपी नड्डा का किया गया। तो कोटा संभाग के पदाधिकारियों के साथ कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होने वाली है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी, जहां पर जेपी नड्डा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। चुनाव में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, वो बड़े मुद्दे जिन्हें लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी, जिनके दम पर बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सके। तो वहीं जो कमजोर पॉइंट्स हैं बीजेपी के, कहां कहां पर आपस में पार्टी में दिक्कतें चल रही हैं, उन्हें भी समझेंगे और उन्हें भी दूर करने के लिए फॉर्मूला निकालने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, बूंदी बारा झालावाड़ के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है। अजमेर में भी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, शाम के वक्त वो अजमेर के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल ये बैठक कोटा में और इसके बाद अजमेर में एक बड़ी बैठक जेपी नड्डा करेंगे। अजमेर में भी जो बैठक होने वाली है उसे लेकर
लेकर आपको जानकारी देते चले कि अजमेर में भी पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक होने वाली है और वहां पर भी टिकटों से लेकर अन्य मुद्दों पर खास चर्चा की जा सकती है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें, एक और महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के लिए, जो पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी ग्राउंड पर पार्टी की स्थिति क्या है, क्योंकि अब बेहद कम वक्त रह गया चुनाव में। 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, मतदान किए जाएंगे और उसके बाद फैसला जनता को लेना है, लेकिन उससे पहले अब ये आखिरी वक्त है सभी पार्टीज के पास। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी से लेकर कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा मंथन किया जा रहा है, वो है टिकट वितरण, क्योंकि बीजेपी ने पहली सूची जब जारी की 41 उम्मीदवारों की, तभी से बीजेपी में बगावती सुर उठने लग गए। कई नेता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए और निर्दलीय लड़ने का भी ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया, तो वहीं कई कार्यकर्ता अभी भी बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, बैठक की शुरुआत कितने देर में होगी और कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं आज की बैठक में? देखिए, जेपी नड्डा की जो आज के कोटा में होने वाली जो ये बैठक है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि कोटा जो है, कोटा संभाग पूरा हड़ौती बीजेपी का गढ़ के तौर पर माना जाता है। निश्चित तौर पर बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है और ऐसे में जब विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है तो कोशिश यही है कि जो संगठन है, संगठनात्मक पूरा जो ढांचा है उसे मजबूत किया जा सके, उसे किस तरह से और जो मजबूती है वो दी जा सके। आपसे कुछ देर पहले एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पर तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से जो भव्य स्वागत है वो जेपी नड्डा का किया गया। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोटा जो जिस डीसीएम रोड के होटल में ये पूरी की पूरी जो बैठक है होने जा रही है, यहाँ पर आपको बता दें कि जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, भव्य स्वागत तमाम जो महिला कार्यकर्ताएं हैं उन महिला पदाधिकारी हैं उनके तरफ से किया गया। इन सबके साथ में होटल के अंदर फिलहाल एंट्री हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद में जो बैठक है उस पर सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले जो बैठक होने वाली है उसमें कोटा और बूंदी जो संसदीय क्षेत्र है उसके तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। करीब करीब 150 के करीब चुनिंदा पदाधिकारी का चयन किया गया है जो कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र से हैं, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से हैं और उनकी जो मौजूदगी है वो यहाँ पर रहने वाली है, वो जो है वो इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। पहले फेज में एक बैठक होगी, उन सबके बाद में दूसरे फेज में अगर बात करें तो 12 और झालावाड़ के जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें ये बैठक होने दूसरे फेज में 12 और झालावाड़ के संसदीय क्षेत्र की बैठक होगी। मोटे तौर पर अगर बात करें तो तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं जो हड़ौती से आते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इन सबके साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मौजूद है, सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद हैं, इस तरह से तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। ठीक है हिमांशु, तो कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत भी होने वाली है, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका।